doesn't time it. Oh, what a catch this is. What a catch. Dancing shoots up. क्रिकेट जब से ये खेल शुरू हुआ है इसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये एक अनिश्चितताओं का खेल है, पर आज हम कहें कि ये सरासर गलत है और क्रिकेट एक निश्चितताओं वाला खेल है तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या क्रिकेट टीम की, कप्तान की, मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द टूर्नामेंट की किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी होती है? IPL दुनिया के सबसे सक्सेसफुल स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में माना जाता है। खिलाड़ी बरसों मेहनत करते हैं IPL में जगह बनाने के लिए, टीम ओनर्स भी करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपने टीम को ट्रॉफी जिताने के लिए। 1,250 lakh. सौ से अधिक खिलाड़ी कई महीनों तक पसीना बहाते हैं, कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद और करीब 17-18 मैचेस खेलने के बाद टीम फाइनल में पहुंचती है। मैच रोमांचक होता है और कोई एक ओवर या कभी कभी एक बॉल मैच का नक्शा बदल देता है। लगभग हारा हुआ मैच कोई एक खिलाड़ी अपने बल पर अपनी टीम को जिता ले जाता है। क्या ये खिलाड़ी का कारनामा पहले से ही किस्मत में लिखा हुआ होता है? क्या फाइनल के दिन या उस साल IPL में चमकने में उसके जर्सी नंबर या जन्मदिनांक का कोई हाथ हो सकता है? जरा ये कैलकुलेशंस ध्यान से देखिए, शायद आप अचंभित हो जाओगे। IPL इनॉग्रल मैच में ब्रेंडन मैक्कुलम की 158 रनों की धुआंधार पारी, डेट थी 18 यानी 1 और 8 9, और मैक्कुलम की जन्मदिनांक है 27 यानी 2 और 7 9। यूसुफ पठान IPL सीजन 1 के फाइनल के मैन ऑफ द मैच, वर्ष 2008 यानी 2 और 0 और 0 और 8 यानी 10 10 यानी कि 1 और 0 यानी 1, और उनका उस समय जर्सी नंबर था 28 यानी 2 और 8 10 यानी फिर एक बार 1 और 0 1। IPL सीजन 3 सुरेश रैना फाइनल में मैन ऑफ द मैच, वर्ष था 2010 यानी 2 और 0 और 1 और 0 यानी 3, और उनका जर्सी नंबर है 3। फाइनल का स्कोर भी उनका 57 रन था यानी 5 और 7 12 मतलब 1 और 2 फिर एक बार 3। IPL सीजन 5 वर्ष था 2012, 2 और 0 और 1 और 2 यानी 5। विनिंग कैप्टन थे गौतम गंभीर, उनकी जन्मदिनांक है 14 यानी 1 और 4 5, और उनका जर्सी नंबर भी है 5। फाइनल की दिनांक थी 27 यानी 2 और 7 9, और फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने थे मनविंदर बिस्ला, जिनका जर्सी नंबर था 36 36 यानी 3 और 6 9। IPL सीजन 6 वर्ष 2013 यानी 2 और 0 और 1 और 3 यानी 6। मैन ऑफ द सीरीज थे शेन वॉटसन, उनका जर्सी नंबर था 33 यानी कि 3 और 3 बराबर 6। IPL सीजन 7 वर्ष था 2014, फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे मनीष पांडे, फाइनल की दिनांक थी 1 अप्रैल और मनीष पांडे का जर्सी क्रमांक था 1। IPL सीजन 9 वर्ष था 2016 मतलब 2 और 0 और 1 और 6 यानी 9। 900 से ज़्यादा रन बना के मैन ऑफ द सीरीज बने थे विराट कोहली, जिनका जर्सी नंबर है 18 यानी 1 और 8 9। सीजन 9 के
यानी वर्ष 2016 में 2-0, 1-6, 9 विनिंग कैप्टन थे डेविड वार्नर। उनका जन्म दिनांक है 27 यानी 2-7-9। आईपीएल सीजन 10 वर्ष 2017 यानी 2-0, 1-7 यानी 10 अर्थात 1-0-1। मैन ऑफ द सीरीज थे बेन स्टोक्स, जर्सी नंबर था 55 यानी 5-5-10 यानी 1-0-1। आईपीएल सीजन 11 वर्ष था 2018 यानी 2-0, 1-8 यानी 11 यानी 1-1-2। और उस साल मैन ऑफ द सीरीज थे सुनील नारिन। सुनील नारिन का जो जर्सी नंबर है वो है 74। आईपीएल सीजन 12 वर्ष था 2019 मैन ऑफ द सीरीज थे एंड्रे रसल। जर्सी नंबर है 12 यानी 1-2-3। और फाइनल के मैन ऑफ द मैच थे जसप्रीत बुमराह, जिनका जर्सी नंबर है 93 यानी 9-3-12 यानी 1-2 फिर से हुआ 3। इसी वर्ष सीजन 12 में यानी 1-2-3 2019 का टोटल 2-0, 1-9 यानी 12 यानी 1-2-3। विनिंग कैप्टन थे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की जन्म दिनांक है 30 अप्रैल यानी कि 3-0-3। देखा आपने, शायद आज से पहले आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि इस आईपीएल में यही खिलाड़ी सबसे अच्छा क्यों खेला, यही खिलाड़ी पिछले सीजन में तो नहीं चला, आज यही खिलाड़ी क्यों अच्छा खेला, यही कप्तान क्यों जीता। तेरी बात रॉन्ग भी हो सकती है ना बॉस, आज तक तो हुई नहीं भाई, ये तो गॉड है यार। एक काम कर, इंडियन क्रिकेट में तू चुन, जिसके कुंडली में सेंचुरी वो टीम के अंदर, भाई बोल दो अपन कभी हारेंगे नहीं, 1100 नॉट आउट। न्यूमरोलॉजी की सहायता से कौन सेंचुरी बनाएगा ये भले ही बता न पाए, लेकिन कौन अच्छा खेलेगा और टीम को जिताएगा ये जरूर बताया जा सकता है। आइए जानते हैं जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित मेश्राम से इस बारे में। किसी भी चीज को पूरा होने के लिए एक आइडियल सिचुएशन लगती है। जैसे अगर आप पौधा पेड़ बनना चाहे तो वो सही मात्रा में वहाँ पे मिट्टी हो, पानी हो, वो पकड़ हो, ये सारी चीज़ें, उस बीज अंकुरित होना चाहिए। तो जनरली किसी भी चीज़ को पूरा होने के लिए एक आइडियल सिचुएशन लगती है, और वो आइडियल सिचुएशन ही वो घटना को घटित होने में मदद करती है। यही चीज़ क्रिकेट या बाकी स्पोर्ट्स में भी हो सकती है कि जब वो प्लेयर अपनी आइडियल और ऑप्टिमल कंडीशन में होता है तो ऑप्टिमल फॉर्म में या ऑप्टिमल फिटनेस होती है, वैसे ही उसका ऑप्टिमल लक होता है। ये चीज़ें हम कभी नोटिस नहीं करते, क्योंकि रीज़न ये है कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी इसको एक अलग एंगल में लिया जाता है, क्योंकि कुछ लोग जो सिर्फ प्रेडिक्ट करना है करके करते हैं, उसके वजह से ये जो थेरीज है ये बदनाम होती है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, हम हर चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी और नंबर्स के भरोसे हम ये बता सकते हैं कि ये स्पेसिफिक प्लेयर इस साल ज़्यादा चलेगा, ये स्पेसिफिक प्लेयर इस साल नहीं चलेगा। कोई भी प्लेयर, आप दुनिया का किसी भी प्लेयर को उठा के ले लो, कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि ये प्लेयर हर मैच में सेंचुरी बनाएगा। हर चीज़ में फ्लक्चुएशन होता है। वो फ्लक्चुएशन क्यों आता है, प्लेयर तो सेम है, उसका टैलेंट तो सेम है, उसकी फिटनेस भी सेम है, उसका फॉर्म भी कई बार कुछ मैच के लिए सेम सेम होता है, लेकिन फिर भी सेम टू सेम एक हर मैच में सिमिलर स्कोर नहीं आते हैं, तो ये क्यों होता है। तो वो जो डेट है, वो मंथ है, वो ईयर है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है। इवन वो किस ग्राउंड पे खेल रहा है, वो चीज़ें भी मैटर करती है। तो हम ये देख सकते हैं पूरे आईपीएल के इसमें कि ये नंबर्स ने कैसे अपना रोल प्ले किया है। हर चीज़ उसी तरीके से हुई है। जैसे आप पहला मैच उठा के देख लो, ब्रेंडन मैक्कुलम आईपीएल का पहला मैच जिसमें उन्होंने 150 रन बना लिए और एकदम से ब्लास्टिंग स्टार्ट दिया आईपीएल को, तो उस डेट का टोटल और ब्रेंडन मैक्कुलम का डेट ऑफ बर्थ सेम नंबर पे आता है। मैं आपको एक किस्सा भी बताना चाहूँगा, 2014 जो कि 7वां आईपीएल था, उस टाइम पे मेरे एक क्लाइंट कोलकाता नाइट राइडर्स में खेल रहे थे। उनका जर्सी नंबर और उनका नेम स्पेलिंग मैंने चेंज किया था, तो वो मुझे पूछ रहे थे कि हमारी टीम का क्या होगा।
तो वो फाइनल में पहुंच चुके थे, मैंने बहुत सारी चीज़ें उनको बताई थी। इवन एक बहुत बड़े क्रिकेटर उनके टीम के, जो कि हमारे इंडिया के बहुत बड़े स्टार रहे हैं, मैं अभी उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मेरा उनसे डायरेक्ट कंसल्ट नहीं हुआ था। मैं उस प्लेयर के थ्रू उनका जर्सी नंबर चेंज किया था। वो प्लेयर पहले 3-4 मैच में 0 पे आउट हुए थे, उसके बाद उन्होंने जर्सी नंबर चेंज किया। मैंने इनके थ्रू, इस प्लेयर के थ्रू उनके पास वो मैसेज कन्वे किया और उन्होंने जर्सी नंबर चेंज किया और उनका फॉर्म बैक वापस भी आ गया उस फॉर्म में। तो इस तरीके से उस साल मैंने उनको ये भी बोला था कि रॉबिन उथप्पा आपकी टीम का सबसे बड़ा प्लेयर रहेगा, की परफॉर्मर रहेगा। तो रॉबिन उथप्पा का डेट ऑफ बर्थ 2 था और उस समय उनकी उम्र 29 साल थी। तो वो मैच हो रहा था और 2014 के लिए भी वो सारी चीज़ें कंपैटिबल हो रही थी। तो तब मैंने उन्हें कहा था कि वो पहले ही मैच में कह दिया था कि रॉबिन उथप्पा आपके टीम के सबसे बेस्ट प्लेयर रहेंगे। उस साल वो हाईएस्ट स्कोरर थे। ठीक उसी प्रकार जब फाइनल में पहुंच गए तो वो जो मेरा जो मेरे जो क्लाइंट थे जो उस टीम में खेल रहे थे, प्लेइंग 11 में थे, तो उनको मैंने उन्हें थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि उनका फाइनल जो टीम लगातार जीतते आ रही थी उस टीम के साथ था। तो इन्हें थोड़ा कहीं ना कहीं, और फाइनल तो प्रेशर होता ही है, तो उन्हें थोड़ा डर था। तो मैंने उन्हें कहा था कि आज आपको या तो मनीष पांडे या तो रॉबिन उथप्पा मैच जिताएगा, क्योंकि उस तारीख 1 अप्रैल को मैच था, यानी 1 हो गया, और उस दिन मनीष पांडे जो जर्सी नंबर 1 पहन के थे, तो वो उस दिन की कंपैटिबिलिटी, उस दिन के आइडियल सिचुएशन बन गए, आइडियल नंबर्स आ गए, तो उस दिन वो चल गए। उस दिन उन्होंने ही 95 रन बना के उनकी टीम को जिताया, जीत हासिल की। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा अभी आखिरी एग्जाम्पल की जो लास्ट आईपीएल में हुआ है। हमने पहले आईपीएल का देख लिया, बीच में देख लिया, अभी लास्ट देख लेते हैं कि 12 तारीख को फाइनल था, 2019 चल रहा था। 2019 का टोटल 2+0+1+9 12 आता है, 12 यानी 1 और 2 3 हो गया। आईपीएल 12वां था, वो भी 1 और 2 3 हो गया। उसके बाद 12 तारीख को फाइनल मैच था, तो 12 तारीख को मैच था मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। अब मैंने हमारे वीडियो में भी प्रेडिक्ट किया था कि रोहित शर्मा के लिए वो साल अच्छा जाएगा। रोहित शर्मा की डेट ऑफ बर्थ 30 अप्रैल थी, 30 अप्रैल है, तो 30 अप्रैल यानी 3 और 0 3 उनका मूलांक 3 हुआ, तो उनके लिए 2019 इंपॉर्टेंट था ही। हमने देखा उसके बाद भी वर्ल्ड कप में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। ठीक उसी मैच में, मैच ऑलमोस्ट हारने वाले थे, लेकिन उस मैच में मैन ऑफ द मैच जो थे, जिनके वजह से मैच में बने रहे, वो थे जसप्रीत बुमराह। तो 12 तारीख को जर्सी नंबर 3 वाले प्लेयर ने 3 मूलांक वाले कैप्टन को वो कप दिलाया। तो आप समझ सकते हैं कि लास्ट बॉल पे वो सिचुएशन चेंज हुई और लास्ट बॉल पे वो मैच जीत गए, 1 रन से मैच जीत गए। वो अगर उस बॉल पे विकेट ना जाता तो वो मैच शायद इधर चले जाता, चेन्नई सुपर किंग्स के। लेकिन लक फैक्टर ऐसी सिचुएशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और आईपीएल में इतना लक का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप टीम के ओनर हैं या आपके प्लेयर, अगर आप उस टीम के प्लेयर हैं, तो आपके जर्सी नंबर आप पे बहुत इम्पैक्ट रखते हैं आपके टैलेंट के साथ साथ। मैं आपको बताना चाहूँगा, ऋषभ पंत जो कि बहुत टैलेंटेड प्लेयर माने जाते हैं, लेकिन वो जर्सी नंबर बहुत ही खराब पहनते हैं, इसलिए उनका कहीं ना कहीं वो इनकंसिस्टेंसी है, तो इसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप आपके जर्सी नंबर सही रखें और आप आपके प्लेयर्स को, सही प्लेयर्स को सही समय पे मौका दें, तो आपको आईपीएल जीतने में या आईपीएल में परफॉर्मेंस अच्छा करने में बहुत मदद होती है। कुछ टीमें न्यूमरोलॉजी फॉलो कर रही है, जैसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ब्लैक पहनती थी, ब्लैक कलर उन्हें सूटेबल नहीं था, तो उन्होंने चेंज किया और उनका रिजल्ट मिले। उसके बाद मुंबई इंडियंस ने उस हिसाब से अपने कलर्स ऐड किए, गोल्डन कलर्स वगैरह। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स पहले साल बॉटम में थी, उन्होंने जायंट्स में से एस हटाया और नेक्स्ट ईयर वो रनर अप रहे। दिल्ली डेयर डेविल्स हमेशा से, पिछले कुछ सालों से फ्लॉप चलती आ रही है, तो उन्होंने दिल्ली डेयर डेविल्स को दिल्ली कैपिटल्स किया सिर्फ नेम न्यूमरोलॉजी के लिए, और उन्हें भी अच्छा रिजल्ट मिला। लास्ट ईयर वो टॉप 3 में आ गए थे। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये पूरे टीम के लिए यूज़ करने के साथ साथ, अगर आप प्लेयर ऑक्शन में स्पेसिफिक प्लेयर को पिक करते हो कि हाँ ये प्लेयर के लिए ये साल अच्छा है, ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उस प्लेयर के लिए, वो अभी भले ही आउट ऑफ फॉर्म होगा और वो इतना बड़ा प्लेयर नहीं होगा, फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि उस साल अपने आप उसका परफॉर्मेंस आ जाएगा, उठ के आ जाएगा। उसके बाद आप अगर जर्सी नंबर आपके प्लेयर्स के ठीक रखते हो, अगर आप, कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ गलत जर्सी नंबर पहनने से उनका लक रुका हुआ आता है। नो डाउट वो टैलेंटेड है तभी वो आईपीएल खेल रहे हैं, नो डाउट, लेकिन टैलेंट के साथ क्रिकेट जैसी चीज में थोड़ा लक लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसी मैचेस होती है कि सिर्फ लक के भरोसे हम कह सकते हैं कि, जैसे आप पिछले बार का वर्ल्ड कप फाइनल ले लो, जो कि हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था कि इंग्लैंड के सबसे ज्यादा चांसेस है,
वो हमारे प्रायोरिटी पे था, इंग्लैंड जीता भी। और आप देखिए वो मैच में एक्चुअल विनर न्यूजीलैंड है, सिर्फ लक के भरोसे वो मैच शिफ्ट हुआ है इंग्लैंड की तरफ। तो ऐसी कई बार सिचुएशन आती है कि सिर्फ एक रन, एक विकेट, एक नए नो बॉल से मैच पलटता है, स्पेशली आईपीएल में। तो अगर हम आप नंबर्स अगर आप सेट कर लो उस हिसाब से आपके प्लेयर्स के, अगर आप सही प्लेयर्स चूज करें आपकी टीम में, और अगर आप उस प्लेयर के, अगर आपने टीम चूज कर लिए तो अगर आप सही जर्सी नंबर आप टीम के रखते हो, तो आपको 100% रिजल्ट मिलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, आपका परफॉर्मेंस उस लेवल पे चले जाता है। बाकी हम प्लेयर्स को, प्लेयर्स के लिए अगर कभी मौका मिला तो एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन प्लेयर्स के मामले में जर्सी नंबर मैं फिर कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने खुद कुछ प्लेयर्स के जर्सी नंबर चेंज किया और उसके बाद उन्हें ट्रिमेंडस रिजल्ट्स मिले हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 10 साल रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन उसके बाद 2-3 साल ऐसे रह सकते हैं कि आपको पीक देके जाएंगे और आपका एक करियर एक उच्च लेवल पे या हाई लेवल पे लेके जाएंगे, जिसके बाद आपको और भी अपॉर्चुनिटीज आते रहेगी। लेकिन कंपटीशन क्रिकेट में बहुत ज़्यादा है, उसमें एक 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 जन सेंचुरी बना लेता है और एक 90 बना लेता है, लेकिन सारा का सारा फोकस वो 100 पे चले जाता है, 90 वाला रह जाता है, और 90 वाला फिर इस चीज़ के लिए पछताता है कि मैं थोड़े रन, थोड़ा पेशेंस और रख लेता तो शायद और अच्छा रिजल्ट आ जाता और मुझे और मौके मिलते थे। ऐसा कई प्लेयर्स के साथ हुआ है, कई प्लेयर्स के करियर इसलिए ख़त्म हुए हैं कि उन्होंने सही टाइम पे परफॉर्म नहीं किया। तो लक को हम, मैं खुद डॉक्टर हूँ, लक के मामले में मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये कोई चमत्कार है। लक सिर्फ वो होता है कि आप सही टाइम पे, सही जगह पे, सही चीज़ करते रहिए, सही मौके पे। तो आप, यू शुड बी एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, डूइंग द राइट थिंग, दैट इज़ लक। सो आप राइट थिंग तो कर रहे हो, आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन राइट टाइम कब है वो हमें न्यूमरोलॉजी बता सकता है। क्या खिलाड़ी अपना लकी जर्सी नंबर पहन के या टीम ओनर्स अपने प्लेयर को लकी जर्सी नंबर देके टीम का परफॉर्मेंस पहले से बेहतर कर सकते हैं? ऐसे और भी रोचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।